हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि आप गूगल कैमरे की मदद से काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ नाइट कंडीशन में ले सकते हैं। और जो नया जीकैम आता है जीकैम 7, उसमें आप एस्ट्रो फोटोग्राफी भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप काफ़ी अच्छी स्काईस्केप ले सकते हैं रात के टाइम पर। तो आपको रात के टाइम में जितनी भी स्काई में लाइट दिखती है, स्टार्स दिखते हैं, उन्हें आप काफ़ी अच्छी तरीके से कैप्चर कर सकते हैं, इवन इन वेरी लो लाइट कंडीशन, जस्ट लाइक प्रोफेशनल कैमरा लाइक दिस वन। पर जैसे कि जीकैम पिक्सल डिवाइस की देन है और पिक्सल डिवाइस पर स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर यूज़ होते हैं, तो डेवलपर्स के लिए आसान हो जाता है जीकैम पोर्ट करना किसी भी स्नैपड्रैगन डिवाइस पर। एंड यू नो, शाओमी ने इस बार रेडमी नोट 8 प्रो पर मीडियाटेक का प्रोसेसर यूज़ किया है, तो मीडियाटेक डिवाइस पर कस्टम रोम और जीकैम इंस्टॉल करना बड़ा रिस्क का काम है, पर डेवलपर्स ने रेडमी नोट 8 प्रो पर यह मुमकिन कर दिखाया है। काफ़ी सारे जीकैम वर्जन आप यूज़ कर सकते हैं नोट 8 प्रो पर, एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ न्यू जीकैम वर्जन ऑन योर नोट 8 प्रो, जिससे कि आप एस्ट्रो फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। पर कैसे, उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। सो वेलकम गाइस, इट्स योर फ्रेंड दिव्यांश एंड यू आर वाचिंग टेक टीन। तो गाइस, सबसे पहले आप नीचे दिए गए लिंक से जीकैम डाउनलोड कर लीजिए। ये है जीकैम 7.2 बाय ब्राइकोजन, ब्राइकोजन डेवलपर का नाम है। तो इस वर्जन में आप सिर्फ कुछ चुनिंदा फीचर्स ही यूज कर पाएंगे, जैसे कि नाइट मोड, एस्ट्रो फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट मोड, नॉर्मल फोटोज़ आप ले पाएंगे, और इसमें आप वीडियो कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा जीकैम ऐप पर। तो आपको सेटिंग पर जाना है और उसमें एडवांस सेटिंग पर जाना है। उसके बाद आप एस्ट्रो फोटोग्राफी को अनेबल कर दीजिए, और जो एस्ट्रो मैक्स एक्सपोजर टाइम है उसमें आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि 4 सेकेंड, 10 सेकेंड, और लास्ट में आपको मिल जाता है 30 सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि कितनी देर तक लाइट लेंस पर जाएगी, यानी कितनी देर तक लेंस लाइट कैप्चर कर पाएगा। तो जैसे थोड़ी बहुत लाइट हो तो आप एक्सपोजर 8 सेकंड से 10 सेकंड तक कर सकते हैं, और अगर एकदम से लो लाइट है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है, तो उसमें आप अपना एक्सपोजर टाइम बढ़ा सकते हैं। तो जैसे एकदम अंधेरे में बिल्कुल भी लाइट नहीं है और सिर्फ स्काई में मून एंड स्टार विजिबल है, तो वहाँ पर आप एक्सपोजर टाइम 30 सेकेंड का कर सकते हैं, जिससे कि एकदम नेचुरल फोटोज़ देखने को मिलती है। एंड आप पिक्चर्स रॉ फॉर्मेट में क्लिक करें, जिससे कि आप उन फोटोज़ को और भी बेहतर बना पाएं विद हेल्प ऑफ एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो मैंने अपना कैमरे को कॉन्फ़िगर कर लिया है, तो ट्राई करते हैं कि कैसी फ़ोटोज़ आती है रियल टाइम में। गाइस, हम लोग टेरेस पे हैं और यहाँ पे एकदम अंधेरा है, थोड़ी सी लाइट नहीं है, और स्काई में काफ़ी अच्छे स्टार्स हैं। तो मैं सोचा यहाँ पे एस्ट्रो फोटोग्राफी करता हूँ, और ये है मेरा सेटअप, आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। तो यह है रेडमी नोट 8 प्रो, और इसमें मैंने जीकैम 7.2 रखा है, और आप देख सकते हैं इसमें लिखा आ रहा होगा एस्ट्रो फोटोग्राफी 1। तो हम कोशिश करते कैप्चर करने की स्टार्स, देखते हैं कैसी फ़ोटोज़ आती। तो कैप्चर में क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं मैंने एक्सपोजर टाइम को काफ़ी बढ़ा दिया, जिससे अच्छी खासी लाइट आ जाए, और ये 3 मिनट होल्ड स्टिल करने को कह रहा है। तो वेट करता हूँ कि कैसी फ़ोटोज़ लेता है 3 मिनट बाद। तो गाइस, पिक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, कैप्चर होने वाली है। तो हम जो पिक्चर, ये अब कैप्चर हुई है पिक्चर, जैसे आप देख सकते हैं कैप्चर हो गई। तो इसे हम बाद में देखते हैं, पहले हम ऐसे ही इसी एंगल पे एक और फोटोज़ लेते हैं और रेडमी नोट 8 प्रो के स्टॉक कैमरे से विथ प्रो मोड। तो देखते हैं उसमें कैसे वर्क करता है ये। तो आपको ये देख नहीं रहा होगा अच्छे से, क्योंकि फोकस नहीं बन पा रहा, बिल्कुल भी लाइट नहीं है। पर मैं 64 मेगापिक्सल सेट करके, और जो अपना शटर स्पीड है उसको मैं 32 सेकेंड कर दूंगा, जिससे कि बहुत सारी लाइट आ जाए। तो इससे भी हम कैप्चर करके देखते हैं इससे कैसे दिखती फ़ोटो। तो मैं कैप्चर कर दिया हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा फ़ोटो कैप्चर होने में। तो गाइस, दोनों मोड से फ़ोटोज़ कैप्चर हो गई हैं। अब इसका हम प्रीव्यू देखते हैं बड़ी स्क्रीन पे, यानी कि कंप्यूटर पे। तो देखते हैं कैसी दोनों की फ़ोटोज़ आती हैं। तो गाइस, इन सभी फ़ोटोज़ को मैंने लिया है 30 सेकेंड के मैक्स एक्सपोजर टाइम में। तो इस सेटिंग में आपको फ़ोटो लेने में 3 मिनट 30 सेकेंड का टाइम लगता है। 3 मिनट 30 सेकेंड तक आपको फ़ोन एक जगह पर स्टिल रखना पड़ता है। तो मुझे भी इन सभी फ़ोटोज़ को लेने में कुछ इतना ही टाइम लगा, और जो फ़ोटो निकल के आती हैं वो उसके टाइम को जस्टिफाई भी करती हैं। एंड गाइस, मैंने गोरिल्ला पॉड यूज़ करा है, तो आपको भी अपने फ़ोन को स्टेबल रखना पड़ेगा एस्ट्रो फोटोग्राफी करने से पहले। तो आपको फ़ोन को स्टेबल रखना पड़ेगा, अगर फ़ोन स्टेबल नहीं रहा तो जो शेकिनेस है उससे जो लाइट आती है कैमरे पर वो बिगड़ जाएगी, और जो आपकी फ़ोटोज़ आती है ओवरऑल वो भी कुछ खास अच्छी नहीं आएगी। तो आपको अपने फ़ोन को स्टेबल रखना पड़ेगा। तो गाइज़, आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन फ़ोटोज़ निकल के आती हैं, और ये बिना किसी एडिटिंग के मैं आपको दिखा रहा हूँ। और साथ में आप देख सकते हैं रेडमी नोट 8 प्रो के स्टॉक कैमरे से कैसी फ़ोटोज़ आती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्लैगशिप लाइक फ़ीचर्स आप अपने 15,000 के मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको फ़ोटोग्राफी करना पसंद है तो रेडमी नोट 8 प्रो वैसे भी एक अच्छा कैमरा
एंड अच्छा परफॉर्मेंस वाला फ़ोन है, तो आप उससे अच्छी फोटोग्राफी तो कर ही सकते हैं, पर जब नाइट की बात आती है तो उसकी फ़ोटोज़ इतनी अच्छी नहीं आती। तो उसमें आप जी कैम का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी नाइट में फ़ोटोज़ निकल के आती है और आप उसमें एस्ट्रो फोटोग्राफी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते होंगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक ग्रुप लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे आपको जितने भी Redmi Note 8 Pro के स्टेबल जी कैम आते हैं तो आप वहाँ से उनको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, आपको फ़ोटोज़ ज़रूर पसंद आई होगी एस्ट्रो फोटोग्राफी विथ Redmi Note 8 Pro से। और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कोई सा भी क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। एंड गाइस, चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब बटन दबाकर। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।